अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी थावे ब्रिज पे पहुँच चुका हूँ। आज आपको थावे का जंगल का नज़ारा दिखाएंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अभी तक तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अभी थावे बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं। लेफ्ट को जाएंगे गोपालगंज के रोड में और राइट सिवान रोड में, उसी रोड में मंदिर पड़ता है। दोस्तों यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो मंदिर के पास पहुँच जाओगे, पर हम लोग को चलना है जंगल में तो हम लोग सीधा निकलते हैं। और पहले के ज़माने के लोग बताते हैं कि यहाँ पे पहले शेर, बाघ, हाथी रहते थे। तो अभी चल के देखते हैं क्या है अपनी आँखों से, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। बाहर से सीधा चला घुस जाएंगे। दोस्तों बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा जंगल है, तो हम लोग चारों तरफ से आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा जंगल है और क्या हकीकत है। ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बाहर से शूट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको अंदर के तरफ लेके चलूँगा, तो दूर से देखने में कुछ इस तरह दिखता है थावे जंगल, आप देख सकते हो। और बहुत खूबसूरत दिखने में लगता है पास से, कुछ व्यू इस तरह है। तो आपने बाहर का सीन देख लिया अभी तक, अब मैं आपको अंदर के तरफ ले चलता हूँ और देखता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। अभी हम जंगल में एंट्री कर रहे हैं और जंगल का व्यू कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए।
यहाँ पे मैं अपना बाइक खड़ा करके अंदर की तरफ जा रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे किस तरह का व्यू है। तो अंदर जाने के काबिल रास्ता नहीं है, वहाँ पे गंदगी है, इसलिए मैं बाहर आ गया। आप देख सकते हो मैं बाहर से ही देखा देता हूँ आपको। और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, आगे का सीन देखने की कोशिश करते हैं, आगे कैसा सीन है, आगे साफ़ सफाई है या नहीं। यहाँ पे लोग आके गंदगी कर देते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं, यूपी बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं। और किसी दिन मैं आपको थावे स्टेशन का सीन दिखाऊंगा, जब यहाँ पे मेला लगता है तब यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगता है। हालांकि ये आए दिन यहाँ पे शादी होती रहती है थावे मंदिर में। और यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे शेर बाघ हाथी पहले के ज़माना में रहती थी, तो अभी तक मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। अगर किसी को यहाँ पे कुछ देखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ तक मैं थावे जंगल में कोने कोने का शेयर किया, वहाँ का व्यू लेने की कोशिश किया, पर ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अपने प्रेमी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेमिका का नाम। यहाँ पे हर वृक्ष पे मुझे कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है, किसी न किसी का नाम लिखा हुआ है। जहाँ तक सारे जंगल में जितने पेड़ हैं उस पे किसी न किसी का नाम लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो वीडियो के माध्यम से। और नहीं तो आके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, आपको पास में दिखाता हूँ। ये सी कोई कोई अपना फुल नेम लिखा है और कोई कोई अपना हाफ नेम लिखा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, बने रहिए। तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। बिन तेरे प्यारा मेरा साहिबा तू, मैं मिर्जा तेरा, अक्सर तेरा छिड़े तो मर जाए मिर्जा तेरा। बेहतर है, बेहतर फिर भी ना तुझे पास के रहे तेरे दिल में अंदर है, तेरी धड़कन पे ना जा सके। Oh, yeah.
गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी हौसला मिले और आप लोग के साथ अच्छे से अच्छी वीडियो शेयर करने की कोशिश करूं। कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना राय रखें।